अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर काफ़ी से होंगे। आज की इस वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह टेस्ट करवाना है, इसी वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड करूंगा। मैंने अपनी इस वीडियो को 4 स्टेप में डिवाइड किया है, तो आप सभी स्टेप को कम्प्लीटली फॉलो करते हुए आप ईजीली अपने डॉक्यूमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा सकेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अपने डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन से मुतल्लक जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर जो हैं वो मिल जाएंगे। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपने अटेस्ट करवाने हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो अटेस्ट होते हैं। इसमें आपकी एजुकेशनल डिग्री है, जिसमें मैट्रिक है, इंटर है, बैचलर है, आपकी मास्टर डिग्री है, एमफिल है, पीएचडी है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आपके एजुकेशनल डिग्रीज वो आपकी अटेस्ट होंगी। आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाएंगे। आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो करवा सकते हैं। आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट है, आप अपना डाइवोर्स सर्टिफिकेट है, तो इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट हैं अगर आपने फॉरेन कंट्री के लिए किसी के लिए अप्लाई किया है तो वो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये वाले सभी डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाएंगे। जी फ्रेंड्स, स्टेप टू में हम बात करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपको अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने से पहले कहाँ कहाँ से आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो अटेस्ट होने चाहिए। तो आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपके सबसे पहले कंसर्न बोर्ड आपका उससे अटेस्ट होने चाहिए। वो आपका लाहौर बोर्ड है, आपका साहिवाल बोर्ड है, आपका बहावलपुर बोर्ड है, जौन सा भी है, और उसके बाद आपके जो फर्दर हायर क्वालिफिकेशन है उसका उसकी डिग्री जो है वो आपकी कंसर्न यूनिवर्सिटी से अटेस्ट होनी चाहिए, और उसके बाद आपकी जो मैट्रिक और इंटर की डिग्री है वो आपकी आईबीसीसी से अटेस्ट होनी चाहिए, और आपकी जो बैचलर और मास्टर उसके बाद अगर आपकी एमफिल या पीएचडी है तो वो वाली डिग्री जो है वो आपकी एचईसी से अटेस्ट होनी चाहिए। आईबीसीसी और एचईसी से आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह अटेस्ट करवाएंगे, तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई जो है वो आपने किस तरह करना है, इसके मतलब मैंने अपने इसी चैनल पे कम्प्लीटली जो है वो डिटेल्ड वीडियो जो है वो दोनों के ऊपर मैंने बना दी है। उन वीडियोस का लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूँ और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप उन वीडियो को कम्प्लीटली जो है वो वॉच करें और स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले आईबीसीसी और एचईसी से वेरीफाई करवाएं, और करवाने के बाद फिर आप उनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा सकेंगे। नेक्स्ट टाइम में हम फीस पे बात करते हैं, तो अटेस्टेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट जो है वो पोस्ट ऑफिस की टिकट सी हैं वो आपकी लगेंगी, तो उसके लिए वो भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। मैट्रिक और इंटर की आपकी जो डिग्री हैं उनके लिए 25 रुपीज़ की हैं, जस्ट 25 रुपीज़ की एक सर्टिफिकेट के लिए आपकी जो टिकट जो है वो लगेगी, और बैचलर और मास्टर के लिए जो है वो 50 वाली टिकट जो है वो आपकी लगेंगी। और उसके लिए आपने करना यह है कि आपने अपने किसी भी करीबी पोस्ट ऑफिस से आपने वो टिकट्स जो हैं वो आपने ले लेनी है, ताकि आपका काफ़ी टाइम जो है वो बच सके। आपको वहाँ से भी टिकट जो है वो मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पर रश होने की वजह से आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशन की, कि आप किन किन तरीकों से अपने डॉक्यूमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप खुद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस को विजिट करें और फिजिकली जाके अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाएं। इसमें आपका काम जो है वो एक ही दिन में हो जाएगा, आपका पूरा दिन जो है वो इसमें लग जाएगा, लेकिन आपका काम जो है वो एक दिन में कम्प्लीट हो जाएगा। आपने मोफा ऑफिस जो है वो सुबह फर्स्ट टाइम ही आपने जाना है, ताकि आपका जो टोकन है वो आपको जल्द मिल सके, और क्योंकि ऑफिस वाले जो है वो 10-11 बजे टोकन जो है वो देना बंद कर देते हैं, तो आपने टाइम से जाना है ताकि आपका सारा काम जो है वो एक ही दिन में हो जाए। तो आपने जो फिजिकली विजिट वाला जो ऑप्शन है वो उसको प्रेफर करना है। सेकंड है गैर अटेस्टेशन सर्विसेज। अगर आप खुद नहीं जा सकते किसी भी वजह से तो आप इनकी खिदमात भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और ये अपनी फ़ीस भी चार्ज करेंगे, तो इससे ये आपको कॉस्टली पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप इनसे भी करवा सकते हैं। थर्ड आपके पास ऑप्शन आ जाता है TCS का। TCS आप TCS की सर्विसेज भी ले सकते हैं, लेकिन अगेन मैं आपको फिर वही बात कि आपको मैं ये वाला ऑप्शन जो है प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपको कॉस्टली पड़ेगा और आपका टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा,
और हर सिटी में टीसीएस ऑफिस में ये फैसिलिटी अवेलेबल भी नहीं है, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आपका जो करीबी ऑफिस है वहाँ पे ये फैसिलिटी आपके पास है या नहीं। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप फिज़िकली जो नहीं जा सकते, तो फिर आप टीसीएस वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जी फ्रेंड, सबसे बेस्ट और शॉर्ट वे जो है वो यही है कि आप खुद फिज़िकली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का ऑफिस विजिट करें और अपने डॉक्यूमेंट को एक ही दिन में अटेस्ट करवाएं। अगर फिर भी आप फिज़िकली जो खुद अटेस्ट नहीं करवा सकते किसी भी वजह से, तो आप अपने ब्लड रिलेटिव के ज़रिए भी करवा सकते हैं, जिसमें आपके फादर, आपकी मदर, आपका ब्रदर आ गया और आपकी सिस्टर। तो ये वाले ऑप्शन जो हैं वो आपके पास हैं, आपके डॉक्यूमेंट वो भी अटेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी अपने किसी फ्रेंड या आप किसी कज़न के थ्रू करवाना चाह रहे हैं, तो वो उसके लिए आपको अथॉरिटी लेटर या एफिडेविट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा परमिशन के लिए, कि ये वाले लोग जो हैं वो मेरे डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा सकेंगे। आपको एफिडेविट देना पड़ेगा या अथॉरिटी लेटर देना पड़ेगा। तो इन लंबे चक्करों की बजाय आप खुद ही जो है फिज़िकली विजिट करके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाएं। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो आपको मिल सकें। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।